क्या हुआ कि मैं पत्रकारिता में 64-65 से हूँ। 65 में मेरा एक लेख शैलेंद्र के ऊपर माधुरी में छपा, नवाज़ टाइम्स का था ये, और उसके एक महीने बाद राज कपूर पर छपा, दो लेख छपे थे। फिर राहुल बारपुते के अपोजिशन के बावजूद नई दुनिया में एक फिल्म का प्रश्न इतवार का चालू हुआ, जिसके संपादक श्रीराम ताम्रकर थे, मेरे मित्र थे वो, और वो हम सब्दी भी हैं, मेरे भाई की बेटी उनके बेटे को ब्याही है। तो ताम्रकर जी के आगरा में महीने में 20 दिन में कभी कभार मैं नई दुनिया के लिए भी लिखता था। फिर ताम्रकर जी ने नई दुनिया के फिल्म विशेषांक निकालना शुरू किया, तो कोई 6-7 निकाले होंगे, तो उनके उन तमाम विशेषांकों में 40% लेख मेरे हैं। नाम तो एक दो में दिए, बाकी में नाम नहीं दिए, पर 40% सामग्री मिली है। तो ये पत्रकारिता का सिलसिला इस तरह से तो चालू था ही। 1985 में इंदौर में भास्कर शुरू हुआ जी, दैट वॉज देयर सेकंड एडिशन, फर्स्ट भोपाल का था, शुरू किया। तो उस समय नई दुनिया में जो मालिक थे, मैंने उनको जाकर कहा कि देखिए मेरे कभी कभी आप लेख प्रकाशित करते हैं और 40 रुपये मेहनताना मुझे मिलता है। भास्कर ने मुझे साप्ताहिक लेख लिखने का 5,000 रुपये महीने का प्रस्ताव दिया है। तो उन्होंने कहा कि जो अखबार फिल्म कॉलम ने इसको 5,000 दिया है वो 2-3 साल में बंद हो जाएगा, हम तो नहीं देते। तो मैंने कहा मेरा इससे ये फर्ज था कि आपको अभय जी बता दूँ, अब मैं आपकी तरफ से निश्चिंत होकर जा रहा हूँ। तो मैंने 85 से भास्कर में इतवार का कॉलम लिखता था, वो एक आधे पृष्ठ का फिल्म कॉलम आता था। अब वो क्या हुआ कि 3-4 साल चला वो, फिर उसके बाद सुधीर जी ने एक दिन कहा कि साहब ऐसा करते हैं कि फिल्म का एक परिशिष्ट निकालते हैं नवरंग के नाम से, तो उसका संपादक पद। मैंने ठीक है, करते हैं कोशिश। तो नवरंग सर मैंने चलाया है 162 हफ्ते, वीकली था, हर शनिवार को निकलता। तो मैं गुरुवार शुक्रवार को वहाँ 4-4, 5-5 घंटे बैठता था और वो चलता था नवरंग। फिर क्या हुआ कि नवरंग में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छपते थे, तो सुधीर जी ने कहा यार जब तक कि कलर फोटो नहीं आए फिल्म पत्रिका का महत्व नहीं बनता है। तो कलर तो ये हमारा इंदौर में हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, तो ये जाएगा भोपाल। तो क्या आप भोपाल जाना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, बंद कर देता। मैंने बंद कर दिया। फिर अगले महीने वो सैलरी का चेक आ गया, तो मैं मिलने गया सुधीर अग्रवाल को कि भैया मैंने लिखना बंद कर दिया, चेक क्यों आ रहा है? तो बोला सर चेक कभी बंद नहीं होगा, हम आपके लिए काम देखेंगे, जब सूझेगा हमको बता देंगे। तो कैन यू बिलीव इट, 7-8 महीने तक मुझे हर महीने वेतन आता रहा, काम कुछ नहीं था। फिर एक दिन मुझे उन्होंने बताया कि आपके लिए काम हमने खोज लिया है। मैंने कहा क्या है? बोले डेली कॉलम। अरे मैंने कहा यार डेली कॉलम कैसे पॉसिबल है, इतना मटेरियल नहीं है, फिल्मों में इतनी घटनाएं नहीं होती, साल में 100 तो फिल्में लगती हैं, अगर उनके रिव्यू भी लिखो तो 100 आप लगते होंगे। 365 दिन, संडे के 50 दिन, होली दिवाली के छोड़ दो, तो 300 दिन तो खड़े हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने कहा देखिए आप लिखना शुरू करो, मान लो आप 20 दिन बाद बंद करो, बंद कर दे, कोई दबाव नहीं आप। उस दिनों में श्रवण घर संपादक होता है, श्रवण घर बैठा था, श्रवण घर का चौक साहब इसका 3 मंत्र रख लो इसके,
इंफॉर्मेशन देना ऑडियंस को, इंटरटेन करना और कभी कभी एनलाइटन करना है, बुद्धि ज्ञान भी देना है, एनलाइटन करना। तो इंटरटेन, एनलाइटन एंड इन्फॉर्म मैन, ऐसा कुछ आप करके देखो। तो उन्हीं दिनों दिलीप साहब का एक बंगला बिका था, तो पहला लेख वो ये था, एक बंगला टूटे न्यारा, वो पहला लेख था। तो उस समय गिरीश यहाँ पर रहता था, सुधीर का छोटा भाई, उसने कहा देखो जब तक ये कॉलम इस्टेब्लिश ना हो जाए, आखिरी पृष्ठ पे इसकी जगह फिक्स है, कोई फुल पेज विज्ञापन आखिरी पेज का आरम्भ बन गया सिर्फ 3 महीने, क्योंकि जब तक लोगों को वो कॉलम की आदत ना बन जाए एक ही जगह पे देख के पढ़ने की, और वो इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक हमको ये करना पड़ेगा। एक बार वो इस्टेब्लिश आया तो फिर उसके चाहने वाले कहीं भी छापोगे वो ढूंढ के पढ़ लेंगे, पर पहले 3 महीने सर उन्होंने फुल पेज विज्ञापन नहीं लिया। अच्छा, आया भी होगा कोई, मेरे को मालूम नहीं, आया भी होगा कोई ऑफर आखिरी पेज का, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो इस तरह से इस कॉलम को इस्टेब्लिश करने में दोनों पक्षों का योगदान है, सुधीर अग्रवाल, गिरीश अग्रवाल भाई, और खुद रमेश जी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी, प्रेम करते थे मुझसे, वो भी है, मेरा प्रयास भी चलता रहा है, और मुझे कभी पैसे उनसे मांगना नहीं पड़े, वो खुद ही मुझे वेतन बढ़ाते रहे हैं। और वो ये बात जानते हैं कि भोपाल से भेजा हुआ वेतन छुपेगा नहीं, तो लोग पूछ सकते हैं ना कि एक आदमी को इतना क्यों और दूसरे को इतना क्यों, तो मुझे कुछ पेमेंट उनके गुजरात एडिशन से आता है, कुछ उनके मराठी एडिशन से आता है, कुछ उनके पटना एडिशन से आता है, इस तरह से वो पेमेंट देते हैं। लेकिन एक बार डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे बहुत लंबा घाटा हुआ था, तो मैं सुधीर को मिलने गया, मैंने कहा देखिए सुधीर जी, मैं आपसे जो बात करने आया हूँ उसका जवाब केवल हाँ है, उनको ज़्यादा गुंजाइश नहीं बोलने की। मैंने कहा मुझे 5 लाख रुपए कर्ज चाहिए जो मैं 2 साल बाद लौटाऊँगा। उन्होंने कहा हाँ, आप जाइए आपके घर में पैसा पहुँच जाएगा, और उन्होंने भेज दिया, और मैंने ऐसा वादा किया था उनको, 2 साल बाद मैंने लौटा भी दिया। जब मैं लौटाने गया तो बहुत झिझक में थे वो कि रहने दो क्या फर्क पड़ता, मैंने कहा नहीं बात ही ले लो आपका पैसा। तो ये सिलसिला दोनों तरफ से जी है जी, अगर मैं मेहनत करके लिख रहा हूँ तो वो मुझे सम्मान दे के प्रकाशित भी कर रहे हैं। और देखिए उनके यहाँ 6-8 महीने में लोग बदल जाते हैं, संपादक अलग अलग जगह के, तो 6-8 महीने में सुधीर जी का एक सर्कुलर जाता है, रूटीन सर्कुलर, कि जयप्रकाश चौकसी के लिखे हुए लेख में एक शब्द भी काटने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए बीच में ऐसे कई प्रसंग रहे जब मैंने मौजूदा हुकूमत के मुखालफत भी की है, जहाँ मुझे लगा है उन्होंने साहस के साथ प्रकाशित किया, वो कभी काटते पीटते रहे हैं। कोई अगर शब्द की गलती रह जाए तो उसका कारण तो ये है कि सारे अखबारों ने प्रूफ रीडिंग डिपार्टमेंट खत्म कर दिया 10 साल पहले। पहले हर प्रूफ रीडिंग डिपार्टमेंट हर अखबार का होता था, छपने के पहले प्रूफ रीडर फाइनल देखता था, अब वही नहीं, तो सभी अखबारों में गलतियाँ होती हैं, आशाकर गलतियाँ कुछ ना कुछ हो जाती हैं, तो मेरे लेख में भी हो जाता है खास बात, कई बार मैं भी गलत लिख देता हूँ। खैर यही है, वो कॉलम गलतियों के साथ स्वीकार किया गया जी, स्वीकार किया गया, और उस कॉलम की सामाजिक उपयोगिता भी है। जैसे एक बार जयपुर में एक पति पत्नी ने तलाक का निर्णय लिया, तो कोर्ट ने कहा कि भाई 6 महीने सेपरेशन फिर देखेंगे। तो एक घर के 2 हिस्से में रहते थे, एक हिस्सा पत्नी के पास था, एक पति के पास था, पर दोनों को मेरा कॉलम पढ़ने का शौक था, अखबार एक ही आता था, तो सुबह 7 बैठ के उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि अखबार 7 बैठ के पढ़ लेंगे ये कॉलम। लेकिन वो 7 बैठ के पढ़ने से धीरे धीरे उनके
संबंधों में जो तनाव था या जो गलतफहमियां थी वो खत्म हो गई और वो तलाक भी निरस्त हो गया। तो वो लोग एक बार जयपुर से आप पधारे थे मुझे एक गिफ्ट देने के लिए, उन्होंने पूरा किस्सा बताया। तो मुझे बहुत खुशी इसलिए हुई कि देखिए लिखा हुआ अखबार में लिखा हुआ अगले दिन रद्दी की टोकरी में चला जाता है, बल्कि उसी दिन चला जाता है। लेकिन चलो एक सामाजिक उपयोगिता सामने आई कि टूटता हुआ वैवाहिक संबंध बच गया। अब इसमें मेरे से ज़्यादा उनकी अच्छाई है, ये नहीं हो सकता, पर हुआ तो सही है। ऐसे सर विदिशा में एक बच्चा है, मुझे अब नाम वाम याद नहीं आ रहा, कई साल पहले वो सुबह सुबह यहाँ घर आ गया, बोले सर मैं विदिशा का रहने वाला हूँ और हमारे पास 2 एकड़ का खेत है और एक किराने की परचून की दुकान है। तो मैं दुकान पे बैठ के अखबार आता तो पढ़ता हूँ आपके लिए, तो मेरे को पूरी बात तो समझ में आती नहीं है, पर अंदर से मन कहता है कि यार ये है ठीक। तो मैं हमारे घर में भैंसे गाय है तो मैं शुद्ध घी का डब्बा लाया हूँ 2 किलो का, आप खाइए सेहत अच्छी रहेगी, अच्छा लिखिए। तो मेरे को एक नई बात मालूम पड़ी कि कुछ चीज़ें आप समझ नहीं पाते फिर भी उनकी प्रशंसा करते हैं, आपको ऐसे मन में एहसास होता है कि यार ये है बहुत अच्छा। ऐसा कई बार होता है जीवन में, तो हर एक चीज़ को पढ़कर समझ लेना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उसके सार को आत्मसात कर लेना, ये ज़रूरी है। मैं कई बार T.S. Eliot कोट करता हूँ, T.S. Eliot बहुत मुश्किल कवि है, इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत कठिन काम करता है। उनकी लाइन है टाइम प्रेजेंट इज टाइम पास्ट, टाइम प्रेजेंट इज टाइम पास्ट, बोथ ले इन टाइम फ्यूचर, इट इज द व्हील ऑफ टाइम दैट मूव्स ऑन एंड इट इज द फूल हु थिंक्स दैट ही इज मूविंग द व्हील ऑन विच ही इज नथिंग बट ए स्मॉल पार्ट हिमसेल्फ। क्या बात है। तो आपको कई बार ये कविता का ही फायदा है सर, गद्य में और कविता में ये कई बार चीज़ें ना समझते हुए भी ये लगता है कि ये है तो बहुत बढ़िया। देखिए अपने जो महाकवि हुए हैं उज्जैन के, वो जिसके लिखा चांद का मुंह टेढ़ा है, अच्छा मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। अब मुक्तिबोध को समझ लेना आसान नहीं है, बहुत हाँ। मुश्किल कवि है, पर उनकी कविताएं जो नहीं समझ में आती हैं वो पढ़कर भी उनकी महानता का एहसास होता है आपको, ये है महान मुक्तिबोध। तो ऐसा होता है। तो ये कॉलम की जो ऊर्जा है सर, ये पाठकों का प्रेम है, पाठकों को बहुत प्रेम है। अच्छा जिन पाठकों को उसमें अभिव्यक्त की गई बात पसंद नहीं आती तो मुझे फोन करके बोल भी देते हैं कि आज का लेख हमको पसंद नहीं आया, लेकिन पसंद ना आने के बावजूद भी हमने पढ़ा जरूर है और हम कल भी पढ़ेंगे। तो इस ये जो कॉलम है ना सर, इसका ये तिलस्म है कि जिनको पसंद है वो भी पढ़ रहे हैं, जिनको नापसंद है वो भी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।